दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इंडिया के मशहूर ब्लॉगर सौरभ जोशी को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने पर यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन नहीं दिया गया था, और ये भी कि आखिर क्यों डक्की भाई की वो पॉपुलर वीडियो जिसने यूट्यूब पर 13 मिलियन व्यूज हासिल किए थे इसे यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया। और क्या आपको पता है कि रजत भट्ट की हर शाम 7:07 पर अपना ब्लॉग अपलोड करने के पीछे की कहानी क्या है? आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको मशहूर यूट्यूबर्स के ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डक्की भाई, दुनिया में मौजूद काफ़ी लोग एजुकेशन को ही अपना सब कुछ मानते हैं और ये समझते हैं कि अगर तालीम हासिल ना की तो वो नाकाम हो जाएंगे। डक्की भाई ने एक पॉडकास्ट में इस चीज़ को एक्सपोज करते हुए बताया था कि जब वो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स कर रहे थे तभी से इन्हें एजुकेशन में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता था और वो पाकिस्तान में एजुकेशन को एक स्कैम समझते थे, इसलिए इन्होंने अपनी डिग्री के दौरान यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक गेम डेवलपर बनने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इन्होंने 3 महीने सख्त मेहनत मजदूरी की और यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए एक अच्छा कंप्यूटर खरीदा जिस पर इन्होंने गेमिंग और रोस्टिंग वीडियोस का गास किया। आज एजुकेशन छोड़कर यूट्यूबर बनने का फैसला वाकई इनके लिए बहुत बेहतर साबित हुआ है। डक्की भाई मजीद बताते हैं कि इनकी वो पॉपुलर रोस्टिंग वीडियो जिसने यूट्यूब पर 13 मिलियन व्यूज हासिल किए थे इसे यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया। ये वीडियो डक्की भाई ने तब बनाई थी जब यूनिवर्सिटी में इनके प्रोग्रामिंग के एग्जाम्स चल रहे थे। इन्होंने अपने एग्जाम्स की तैयारी छोड़कर वो रोस्टिंग वीडियो बनाई और अपलोड करने के बाद कुछ ही दिन में इस वीडियो ने 13 मिलियन व्यूज हासिल किए, मगर बाद में यूट्यूब ने कॉपीराइट इश्यूज की वजह से वो वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी। डक्की भाई ने जब यूनिवर्सिटी छोड़कर यूट्यूबर बनने का फैसला किया था तब उनके पास एक अच्छा कंप्यूटर खरीदने तक के पैसे ना थे, इसलिए उस दौरान इन्होंने लाहौर के एक मॉल में कैशियर की जॉब भी की थी जहाँ हर महीने इन्हें 11,000 तनख्वाह मिला करती थी। डक्की भाई की स्ट्रगलिंग स्टोरी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरी मिनाटी, दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि YouTube के रूल्स और पॉलिसीज बहुत ही सख्त हैं और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इन पॉलिसीज के खिलाफ वीडियो बनाए तो जल्द ही उसका चैनल YouTube से डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी के साथ भी हुआ था। पहले कैरी मिनाटी अक्सर अपनी वीडियो में कॉपीराइट वीडियोस का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से इन्हें 3 बार यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी, मगर फिर इन्होंने किसी तरह इन तमाम स्ट्राइक्स को अपने चैनल से खत्म करवाया और इनका चैनल खत्म होते होते बचा। रजत भट्ट, पाकिस्तान के मशहूर ब्लॉगर रजत भट्ट जिनको ब्लॉगिंग पसंद करने वाला हर बंदा जानता है, ये एक शिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके हर शाम 7:07 पर ब्लॉग अपलोड करने के पीछे की कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। रजत भट्ट ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि इस्लाम की हिस्ट्री में 14 मासूमीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपना लकी नंबर 14 रखा है और इसीलिए ये हर शाम 7:07 पर अपना ब्लॉग अपलोड करते हैं जो कि मिलकर 14 बनता है। इनके फैंस में से काफ़ी लोग ये बात नहीं जानते कि रजत भट्ट ने व्लॉगिंग करने से पहले सन 2016 में जियो टीवी के एक ड्रामे रानी में भी लीड रोल प्ले किया था जिस ड्रामे ने आज यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज लिए हैं। उस ड्रामे में रजत भट्ट को पहली मर्तबा बड़ी स्क्रीन पर देखा गया था जहां काम करने के इन्हें उस वक्त 4 लाख रुपये मिले थे। सौरभ जोशी, दोस्तों सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हैं जिनके चैनल ने अब कुछ दिन पहले 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं। शुरू में जब इनके चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे तब अनलकीली यूट्यूब की टीम की तरफ से इन्हें गोल्डन प्ले बटन नहीं दिया गया था जिस पर ये बहुत परेशान हुए थे, मगर बाद में इन्हें पता चला कि इनके चैनल की कुछ वीडियोस यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं जिन्हें ठीक करने के बाद इन्हें यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन मिला।